फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम मूवी पोस्टर बनाना सीखने वाले हैं। तो यहाँ पे हमने जो है एक मूवी पोस्टर देखा हुआ है, तो उसी के जैसा ही हम एक मूवी पोस्टर क्रिएट करने वाले हैं। तो यदि आप लोग एक मूवी पोस्टर क्रिएट करना चाहते हो आपके वीडियोस वगैरह के लिए, तो आज के इस वीडियो में आप लोगों को सीखने मिलेगा कि फोटोशॉप में कैसे आप एक मूवी पोस्टर क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, आप एक ग्रेडियंट बना देते हैं। ठीक है, तो लीनियर की जगह क्या करते हैं, रेडियल ग्रेडियंट लेते हैं। और यहाँ पे कलर जो है हम यहाँ पे इसको करते हैं यहाँ पे डार्क, जो सेंटर वाला, तो सेंटर वाले को थोड़ा सा, तो क्या है कि अब रेडियल में क्या होता है, रेडियल में सर्कल में आता है ग्रेडियंट, ठीक है, और लीनियर में क्या रहता है, सीधा सीधा रहता है। तो अब हमने क्या किया कि यहाँ पे इसको जो कलर है यहाँ पे हमने डार्क रख लिया। ठीक है, अब ये ऊपर वाला जो है ये ओपेसिटी के लिए होता है, तो ऊपर वाले में क्या रहता है, ओपेसिटी आती है, और नीचे वाले में यहाँ मतलब नीचे वाले में यहाँ पे कलर्स आते हैं, ऊपर ओपेसिटी नीचे कलर। तो यहाँ पे हमने क्या किया, कलर चूज करके रखा, और यहाँ पे हमने क्या किया कि इसको जो है इससे ओपेसिटी हमने 100% कर दी। पहले क्या थी, जीरो थी, इस कारण से यहाँ पे जो कलर जो है नहीं दिखाई दे रहा था ना, ट्रांसपेरेंट टाइप जा रहा था। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या करते हैं यहाँ पे इसको ग्रेडियंट जो है यहाँ पे बना दिया थोड़ा। अब इसको हम ओके कर देंगे सिंपल। अब यहाँ पे यदि स्केल देखोगे तो स्केल से क्या हो रहा है कि ये जो बीच का रेडियल है ये देखो बढ़ रहा है, आप है ना, ये देखो पॉइंट बीच में है, ये धीरे धीरे बढ़ रहा है, दिख रहा है ना ये, है ना। तो जैसे हम स्केल करते जाएंगे तो वैसे वैसे इसका बढ़ता जाएगा ये। तो कितना करना है आपको, ग्रेडियंट कितने में चाहिए, तो उसको आप एडजस्ट कर सकते हो यहाँ से, है ना, कितने परसेंट में चाहिए स्केल इसका। हमने ये ओके कर दिया, कुछ इस टाइप से हमने एक ग्रेडियंट बना दिया यहाँ पे, कि साइड में डार्क, बीच में थोड़ा सा हल्का सा लाइट डार्क। अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए कि जो थंबनेल देख रहे हैं हम इस टाइप से, तो यहाँ पे हमें बहुत सारी चीजें चाहिए। ठीक है, सबसे पहले चीज तो हम एक इमेज निकाल लेते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, प्रभास की एक इमेज निकाल दी। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ये इमेज इसकी एक निकाल ली, इसको कॉपी कर लिया और यहाँ पे ला करके हमने इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब इसको हमने क्या किया यहाँ पे, रिमूव बैकग्राउंड कर दिया। ठीक है, तो बैकग्राउंड इसका हो गया रिमूव। अब हमें करना क्या है कि यहाँ पे अब पीछे देखोगे बैकग्राउंड तो फ्लैट जा रहा है, इमेज हमारी कैसी है, थोड़ा सा अलग टेक्सचर टाइप से है पूरा, है ना, बहुत सारी चीजें यहाँ पे अलग अलग टाइप से, यहाँ पे पूरा एकदम फ्लैट अलग दिखाई दे रहा है पूरा चीजें। तो हमें बहुत सारी चीजें यहाँ पे ऐड करनी पड़ेंगी बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग। जैसे कि हम क्या करेंगे कि यहाँ पे पहली चीज तो इमेज को हम क्या करते हैं यहाँ पे जा करके, पहले इसको और ज्यादा थोड़ा सा यहाँ पे करेंगे, कैमरा रॉ फिल्टर पे चलेंगे, तो इमेज को पहले हमें एडजस्ट करना है पूरा, तो इसको हम थोड़ा सा शार्प करेंगे इमेज को। तो यहाँ पे हमने क्या किया, टेक्सचर इसका थोड़ा सा बढ़ा दिया यहाँ पे, और ज्यादा यहाँ पे टेक्सचर वगैरह दिखने लग गए थोड़ा सा, ये देखो। ठीक है, हमने क्लियरिटी इसकी बढ़ा दी इमेज की, तो और ज्यादा थोड़ा डिटेल्स आ गई यहाँ पे, हल्का सा कॉन्ट्रास्ट हम बढ़ा देंगे इमेज का, और यहाँ पे एक्सपोजर थोड़ा सा बढ़ा देंगे। ठीक है, अब यदि सेचुरेशन वगैरह बढ़ाना है तो हम बढ़ा सकते हैं, बट फिलहाल के लिए हम नहीं बढ़ाएंगे सेचुरेशन वगैरह। अब यहाँ पे जाएंगे डिटेल्स में, डिटेल्स में शार्पनिंग थोड़ा सा हम बढ़ा देंगे। ठीक है, ये देखो शार्प कर दिया हमने इमेज एकदम, नॉइस रिडक्शन थोड़ा सा बढ़ा देंगे हम, है ना, हल्की सी स्मूथ रहे थोड़ा सा, एकदम पूरा साफ साफ नहीं दिखाई दे। कलर नॉइस रिडक्शन भी थोड़ा सा हमने इंक्रीज कर दिया, अब थोड़ी सी स्मूथ हो गई इमेज। अब देखो ये इमेज, ये देखो प्रोसेस होकर के थोड़ी सी और क्लीन अप हो गई एकदम। अब हमें करना क्या है कि अब पीछे डिटेल्स ऐड करनी है हमको, क्योंकि इमेज और बैकग्राउंड दोनों थोड़ा सा सिमिलर टाइप से लगे, है ना, अलग अलग ना लगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हमें और ज्यादा डिटेल्स ऐड करनी पड़ेंगे, लाइक जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे जैसे कि ऊपर से देखो लाइट वगैरह। ठीक है, हमने यहाँ पे सर्च किया लाइट रेज। ठीक है, तो ये इस तरीके से लाइट रेज वगैरह हमने यहाँ पे ऐड कर देना। सिंपल हम क्या करेंगे कि टूल पे जाएंगे, साइज लार्ज, तो हमने यहाँ पे इसको ले लिया ये वाला, और इसको हम कॉपी करेंगे, अब इस पे जाएंगे और यहाँ पे हमने इसको लगा दिया। ठीक है, अब इसको लगाने के बाद में इसके जो ब्लेंडिंग मोड है यहाँ से हम चेंज करेंगे। इस तरीके से आप जो है यहाँ पे लाइट को जो है एडजस्ट कर सकते हो। तो आप ब्लेंडिंग मोड देखोगे तो सब जितने भी ब्लेंडिंग मोड है वो आप सब ट्राई करके देखोगे आप, तो यहाँ पर पता चलेगा आपको कि लाइटिंग वाला जो ये वाला है ना, यहाँ पे ही सही आएगी लाइट। ठीक है, अब कहाँ पे सेट करने हैं ये आप देख सकते हो कि कहाँ पे सही रहेगी। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, अभी सेंटर पे है तो सेंटर पे सही नहीं लग रहा, तो इसको हम डिलीट कर देंगे। कॉर्नर वाली हम देखते हैं, कोई कॉर्नर वाली लाइट यदि अच्छी लगती है तो। ठीक है, हमने इसको कॉपी किया, यहाँ पे ये लगा दिया इसको, ब्लेंडिंग मोड इसको चेंज कर दिया हमने। ठीक है, ये कर दिया, ये थोड़ा सा अच्छा लग रहा है देखने में। अब हमें करना क्या है कि यहाँ पे देखोगे आप, यहाँ पे डस्ट वगैरह दिखाई दे रहे हैं थोड़ा सा, है ना, हम क्या करेंगे यहाँ पे डस्ट ओवरले, डस्ट पार्टिकल निकाल लेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले साइज लार्ज कर देंगे। ठीक है, तो जैसे ये वाला डस्ट पार्टिकल, ये अच्छा लग रहा थोड़ा, इसको हमने निकाल लिया, कॉपी किया और यहाँ पे आकर के पेस्ट कर दिया। अभी कुछ ज्यादा ही बड़ा था, इसको थोड़ा साइज एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, अब इसको कर देंगे पीछे, इमेज के पीछे कर दिया हमने, और यहाँ पे ब्लेंडिंग मोड भी चेंज कर देंगे इसका, अच्छा लग रहा है हम देखने में। अब देखो और थोड़ा सा देखते हैं डिटेल्स हम, है ना, तो जैसे कि ये यहाँ पे दिखाई दे रहा, तो इस टाइप से थोड़ा सा हम
कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे, अब यहाँ पे ले चलते हैं, बिकॉज क्योंकि यहाँ पे टूटना फूटना थोड़ा सा दिखाएंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा यहाँ, ठीक है। तो इसको हम सबसे पहले लॉक कर दें ताकि मूव ना हो, तो इसको हमने लॉक कर दिया इस इमेज को। अब इसको यहाँ पे हम रख रहे हैं, अब थोड़ा बड़ा कर लेंगे इसको हम, ठीक है। अब इसको नीचे ले जाएंगे इमेज के, और यहाँ पे इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज कर देंगे हम, ठीक है। ये हमने कुछ इस तरीके से कर दिया, फिलहाल के लिए अभी इसको यहाँ पे रख लेते हैं, अभी देखते हैं इसको कैसे एडजस्ट करेंगे, ठीक है। अब हमें चाहिए यहाँ पे टेक्सचर, है ना, कौन सा चाहिए हमको, मेटेलिक टेक्सचर चाहिए थोड़ा सा, ठीक ठीक है। है। तो अब हम आएंगे यहाँ पे, अब हमको यहाँ पे चाहिए, जैसे कि हमको यहाँ पे लिखना है, क्या क्या लिखा हुआ है इसमें, चलो एनिमल लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम फॉन्ट को एडजस्ट करेंगे पहले चीज तो, ठीक है। अब यहाँ पे हमने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, कंट्रोल वी कर दिया, तो ये इसके ऊपर आ जाएगा लेयर, है ना। अब हमने क्या करना है कि अब यहाँ पे क्लिपिंग मास्क करेंगे, तो ये ऑल्ट बटन को होल्ड करके रखना है और इन दोनों के बीच में आना है, तो ये टेक्सचर और यहाँ पे इसके ऊपर जैसे हमने क्लिक किया, तो यहाँ पे देखो क्लिपिंग मास्क से टेक्सचर जो है किसके ऊपर आ गया, पूरा टेक्स्ट के ऊपर आ गया, दिख रहा है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, ठीक थोड़ा सा इसमें जो है लाइट वगैरह प्रॉपर ऐड करनी है, ताकि थोड़ा सा देखने में अच्छा लगे ये चीज़, है ना। हम क्या करेंगे, सिंपल इसको इस जो टेक्स इमेज है टेक्सचर वाले, इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे जाएंगे हम कंट्रोल एल, ठीक है। तो ये लेवल का शॉर्टकट है, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है, अब ये देखो, अब ब्राइटनेस वगैरह इंक्रीज करने के लिए हमने इसमें ये ऐड किया था, लेवल ऐड कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे करते हैं इसको इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे इसका डुप्लीकेट एक कर देते हैं। अब नीचे वाले टेक्स्ट को हमने क्या किया कि यहाँ पे जाएंगे 3D में, अब यहाँ पे हम कर देंगे सिलेक्टेड लेयर, 3D में कन्वर्ट कर दिया हमने इसको, ठीक है। ठीक है, ये जो लेयर है हमारे 3D में कन्वर्ट हो गई। अब पीछे थोड़ा सा 3D स्पेस आ गया, है ना, ऊपर टेक्स्चर था, ठीक है, और नीचे के पीछे के साइड में शेडो भी आ गया। 3D टेक्सचर आ गया थोड़ा सा, तो अब ये देखने में थोड़ा सा अच्छा लग रहा है देखने में, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई हमारी। अब हमें क्या करना है यहाँ पे, और भी जो यहाँ पे जैसे कि उसका क्रेडिट्स वगैरह है वो लिख देना, जैसे कि यहाँ पे हमने लिख दिया सलार मूवी क्रेडिट्स, तो ये हमने लिख दिया यहाँ पे, हाँ इस मूवी का नाम सलार, ठीक है। इस तरीके से हमने यहाँ पे इसको ऐड कर दिया, हमने थोड़ी डिटेल डाल दी कि वो पोस्टर लगना चाहिए ना, कि यहाँ पे जो ये पोस्टर है वो है हमारा किसका, मूवी का मतलब पोस्टर, इस टाइप से लगना चाहिए ना, तो वो डिटेल्स थोड़ी सी ऐड करनी पड़ेंगी उस टाइप से। अब हमने यहाँ पे थोड़ा सा और डिटेल्स ऐड करनी है, तो इसके लिए हमने क्या चाहिए कि यहाँ पे हमको चाहिए लोगो, जैसे हमने टी सीरीज का लोगो निकाल लिया हमने, थोड़ा सा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये रियलिस्टिक लगने लग जाएगा ये। अब यहाँ पे हम दो तीन और प्रोडक्शन हाउस उनका लोगो लगा देंगे, जैसे कि यहाँ पे लगा दिया हमने प्रोडक्शन लोगो, मूवी प्रोडक्शन लोगो कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ आ गए, है ना, दो तीन आ गए यहाँ पे, तो इन सब के लोगो लगा देंगे हम। यहाँ पे हमने कर दिया कलर ट्रांसपेरेंट, ठीक है। तो दो तीन हम लगा देंगे तो थोड़ा सा और फील आ जाएगा उसका, जैसे ये है, किसी का भी किसी में प्रोडक्शन बना दिया हमने, ठीक है। चलो चार प्रोडक्शन हाउस हमने ऐड कर दिए यहाँ पे। अब सिंपल हम क्या करेंगे कि यहाँ से वो इमेजेस को ले करके इनको ले आएंगे यहाँ पे, ठीक है, ये कर दिया हमने। अब यहाँ पे हम सिंपल क्या करेंगे, इनको यहाँ पे सिलेक्ट करके हमने एक ही कलर में कर देना है, ठीक है। ये मैंने सिलेक्ट किया, शिफ्ट के साथ मैंने सिलेक्ट किया है, अब मैं इनको कर दूंगा कंट्रोल ई, ठीक है। तो ये एक ही लेयर बन गए, ठीक है, कंट्रोल ई से मर्ज कर दिया हमने, तो एक ही लेयर बन गए। अब हम जाएंगे यहाँ पे, अब जी इसमें हमने सेलेक्ट किया कलर ओवरले, ठीक है। तो ये देखो अब सिंगल कलर के हो गए। अब यहाँ पे हमने ये कोई कलर चूज कर लेंगे हम, ये देखो अब ये ओके कर दिया हमने। तो अब यहाँ पे ये सिमिलर लगने लग गए, ये थोड़ा सा फील आ गया पोस्टर वाला। अब थोड़ा सा अब यहाँ पे और कुछ ऐड करनी है, थोड़ी बहुत डिटेल्स वगैरह तो आप ऐड कर सकते हो, लाइक जैसे कि सिंपल हमने क्या जी किया कि इसमें ड्रॉप शैडो ऐड कर देंगे, तो ड्रॉप शैडो में थोड़ा सा रियलिस्टिक फील आ जाएगा, थोड़ा सा स्टेंस हमने बढ़ा दी, थोड़ा सा यहाँ पे जाएंगे एफएक्स पे जाएंगे हम, ठीक है। तो ड्रॉप शैडो में क्या ठीक होता है कि शैडो पीछे क्रिएट हो जाती है, तो यहाँ पे देखो आप डिस्टेंस वगैरह, यहाँ पे आप ओपेसिटी फुल कर रहा हूँ तो दिखाई देगा, ये देखो यहाँ पे दिख रहा है, ये देखो जी डिस्टेंस में ये बढ़ा रहा मैंने डिस्टेंस ना, ये बढ़ा दी। साइज इंक्रीज कर सकते हैं हम, साइज कितना चाहिए, तो ये हमने थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया साइज, ठीक है। ओपेसिटी थोड़ी कम कर देंगे हम, डिस्टेंस हल्का सा और बढ़ा देंगे और ओके कर देंगे, तो यहाँ पे शैडो आ गई थोड़ा सा पीछे के साइड पे, ये चीज आ गई। अब यहाँ पे एक चीज और ऐड करनी पड़ेगी, डेट, ठीक है। तो डेट के लिए क्या करेंगे हम, किस डेट को रिलीज हो रही है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे शायद तक 22 दिसंबर को रिलीज हो रही है, तो 22 दिसंबर का कल ही परसों है, तो कल परसों में रिलीज हो रही है। टेक्स्ट वाले से टेक्स्ट ऐड हो जाएगा यहाँ पे,
ठीक है, तो रिलीज डेट जो है यहाँ पे डालना जरूरी है, बिकॉज क्योंकि मूवी की रिलीज डेट नहीं होगी तो फिर वो फील नहीं आएगा ना। अब सेम टेक्सचर जो ये वाला जी टेक्सचर था, सेम टेक्सचर को हमने क्या किया, कंट्रोल जैसे डुप्लीकेट कर दिया। अब इस टेक्सचर को कहाँ ले जाएंगे, उस टेक्स्ट के पास में, तो ये टेक्स्ट के पास ले गए हम, इसको नीचे ले जाएंगे, थोड़ा छोटा कर देंगे, टेक्स्ट के अकॉर्डिंग साइज थोड़ा सा बढ़ा देंगे, और इसको जो है ऑल्ट से यहाँ पे क्लिपिंग मास्क, ठीक है, दोनों के बीच में लाएंगे तो यहाँ पे क्लिपिंग मास्क हो जाएगी। अब यहाँ पे सिंपल क्या किया, इस टेक्स्ट को जी हमने सेलेक्ट किया, अब यहाँ पे सिंपल जाएंगे 3D में और इसको 3D बना देंगे हम, ये देखो आप ना इस तरीके से। बट यहाँ पे हमको क्या चाहिए, शेडो चाहिए थी, तो हमने सिंपल क्या करना है, हमको लेयर को डुप्लीकेट कर देंगे कंट्रोल जैसे, और नीचे वाले लेयर को 3D में कन्वर्ट करेंगे हम यहाँ पे, ये देखो ये प्रॉपर यहाँ पे लग रहा है एकदम 3D में, इस तरीके से हम जो है यहाँ पे, अब इसमें भी आप चाहो तो यहाँ पे ड्रॉप शेडो डाल सकते हो टेक्स्ट में, है ना, तो थोड़ा सा और अच्छा थोड़ा सा यहाँ पे फील आ जाएगा, जैसे कि ये ऑफ है ना, तो ये हमने यहाँ पे कर दिया इसको, तो ओके कर दिया, इसमें ड्रॉप शैडो हो गई। इसमें चाहो तो आप इसमें भी ड्रॉप शैडो डाल सकते हो, जो इमेजेस हमने की थी ना यहाँ पे, ये इमेज जो थी ये रही इमेजेस, ये वाली जो इमेजेस थी इसमें भी हम ड्रॉप शैडो डाल सकते हैं यहाँ पे, ये देखो थोड़ा सा ड्रॉप शैडो डालते तो थोड़ा सा डिटेल्स आ जाती है ना, ठीक है। तो ये देखो हमारा जो पोस्टर है पूरा यहाँ पे रेडी है, इस तरीके से हमको जो पोस्टर यहाँ पे क्रिएट कर देना है। यहाँ पे हम एक दो चीज़ें और डाल सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम इसमें डाल सकते हैं स्मोक ना, स्मोक ओवरले डाल दिया हमने यहाँ पे, तो ये देखो यहाँ पे क्या होगा, जैसे ये है ठीक है, अब ये यहाँ पे स्मोक डाल देंगे यदि हम, और इमेज किया हमने, अब यहाँ पे आ जाएंगे और इसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अब इसको हम लेके आएंगे सबसे ऊपर, ये देखो सबसे ऊपर लेकर के आ गए हम, ठीक है, इसको यहाँ पे हमने बढ़ा दिया पूरा फुल साइज कर दिया, अब थोड़ा ये कर दिया यहाँ पे हमने इसको ऊपर इतना, ठीक है। अब इसका ब्लेंडिंग मोड हमने कर दिया चेंज, ठीक है, तो ये देखो थोड़ा सा और फील आ गया यहाँ पे, है ना। तो इस तरीके से हम चीज़ें यहाँ पे ऐड कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जैसे हमको चाहिए जो भी हमें चाहिए, तो इस तरीके से हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे सिंपल क्या किया हमने, इसमें मास्क एक क्रिएट कर दिया, तो यहाँ पे क्लिपिंग मास्क कर दिया। अब इसमें जो है हम ब्लेंडिंग मोड यहाँ पे चेंज कर देंगे, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे ब्लैक कलर से मास्क पे हम यहाँ पे कुछ भी चलाएंगे तो ये देखो ये हाइड हो जाता है पूरा इस तरीके से ये। अब इसके बाद में हमको क्या करना है, इसकी ओपेसिटी थोड़ा सा एडजस्ट करना है अपने अकॉर्डिंग, है ना, हमको थोड़ी सी चाहिए स्मोक, ज़्यादा नहीं दिखानी, समथिंग हमको समथिंग इतनी दिखनी, तो इतनी हमने कर लिया, और एक डिटेल ऐड हो गई थोड़ा सा और, है ना, इसके लिए हमने यहाँ पे ऐड किया नीचे के साइड में थोड़ा सा डिटेल ऐड कर दिया हमने, है ना, क्योंकि जो मूवी है ये पूरा मूवी बेस्ड है पूरा ओल्ड उस पर, ठीक है ना, तो ओल्ड टाइप से हमने जो है यहाँ पे बनाने की कोशिश करी है पूरी। अब ये इमेज में हमने क्या किया कि यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल्स ऐड कर देंगे, यहाँ पे थोड़ा सा इसको इस साइड से थोड़ा डार्क कर देंगे, यहाँ से लाइट आ रही है इधर से थोड़ा सा डार्क कर देंगे, थोड़ा सा और अच्छा लगेगा ये चीज़। तो वही है कि थोड़ा सा आपको देखना है कि कैसे क्या करना है, जैसे कि सपोज मैंने एक यहाँ पे लेयर ऐड करी, ठीक है ना, यहाँ से मैंने एक नई लेयर ऐड जी करी, अब मैंने एक ब्रश ले लिया, अब मैं यहाँ पे कलर ले लेता हूँ ब्लैक कलर, ठीक है, ये प्लस बटन दबा दिया तो नई लेयर बन जाती है। अब मैंने क्या किया कि यहाँ पे एक ब्रश ले लिया, अब इसका फ्लो कम है, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बस इस तरीके से यहाँ पे शेडो थोड़ा सा बना दी इस तरीके से, ठीक है, ये बिकॉज इस साइड से लाइट आ रही है तो इस ऐसा लगना चाहिए कि इस साइड से थोड़ा सा शेडो है ना, तो ये शेडो बना दी मैंने। अब मैंने क्या किया कि इस शेडो को क्लिप मास्क कर दिया किस पे, इस पे, तो ये देखो अब केवल इसके ऊपर जो है शेडो आ गई, है ना। अब मैं इस शेडो को क्या करूंगा, यहाँ पे ओवरले चेंज करके देखेंगे हम इसका कि किसमें सही लग रही है, तो ये देखो यहाँ पे थोड़ा सा सही लग रहा है देखने में ना, तो ये चीज जहाँ पे हमारा सही जाएगा तो उसको हम यहाँ पे चूज करेंगे, ठीक है। तो इसको ये देखो ये थोड़ा सा सही लग रहा है ना, ओवरले में सही जा रहा है, थोड़ा सा डार्क दिख रहा है इससे। तो इस तरीके से आपको करना रहेगा कि जहाँ पे भी मतलब आपको डिटेल्स कैसी क्या ऐड करनी है, तो वो चीज़ आप यहाँ पे ऐड करोगे तो उस हिसाब से जो चीज़ें यहाँ पे काम करेंगी प्रॉपर। आई होप आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करेगा, इसी तरह की और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे हमें कमेंट करके बताएं, हम जल्द से जल्द उस टॉपिक में वीडियो लेकर के आएंगे। तो फ्रेंड्स मैं मिलूंगा एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बी क्रिएटिव।